हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस नए अध्याय में, जो है हमारा 1857 की क्रांति। बहुत सारे दोस्तों ने कई बार कमेंट कर दिया है कि 1857 की क्रांति का वीडियो बनाइए। वास्तव में हम आधुनिक भारत के चैप्टर वाइज ही बढ़ रहे हैं, तो जितने भी चैप्टर आएंगे जो महत्वपूर्ण हैं वो निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट में लिखें ही कि ये बनाइए, आप आसानी से पढ़ते रहिए और चैप्टर धीरे धीरे करके आते रहेंगे। इससे पहले जो मैंने ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास अपलोड किया है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे एक अच्छी समझ आपको मिलेगी पूरे इंडिया के दौरान जब ब्रिटिश आते हैं हमारे यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं तो क्या हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंजेज आए थे। चलिए 1857 की क्रांति की बात करते हैं। तो 1857 में जो भारत में क्रांति हुई उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का सैनिक विद्रोह, या फिर इसे अलग अलग रूप में इतिहासकारों ने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, या फिर कुछ लोग इसे राष्ट्रीय आंदोलन की भी संज्ञा देते हैं। तो क्या सही रहा क्या गलत रहा, उन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे हम 1857 की अध्ययन को जो है कुछ बिंदुओं में तोड़ कर देख सकते हैं, जैसे इस क्रांति का स्वरूप क्या था, इस क्रांति के विभिन्न कारण क्या रहे, इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, फिर भारत में इसका विस्तार कैसा रहा, किन क्षेत्रों में यह व्यापक रूप से फैला, और फिर फाइनली जब यह आंदोलन असफल हो जाता है, यह क्रांति असफल हो जाती है, और फिर परिणाम क्या निकल करके आता है। तो ये विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने से इस पूरे चैप्टर के एक बारीक समझ को समझा जा सकता है। उन सभी चीज़ों पर हम लोग आएंगे, उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, इसे ध्यान से देखें। यह है प्रमुख बिंदु जहाँ से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो ये एक स्टेप पॉइंट है, ये समझ लेंगे तो फिर इस तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे जब 1857 की क्रांति हो रही थी। कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पामहर्स्ट थे, ठीक है, पामस्टन थे, और इसी को याद रखना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के क्रम में कौन थे, तो पामस्टन थे। और फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और 1856 में डलहौजी के जाने के बाद आए थे। तो ये प्रश्न भी आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटिश गवर्नर भारत में कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। जब यह 1857 की क्रांति शुरू हुई तो मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये मुगल बादशाह के रूप में सत्ता पर बैठे थे और अंतिम मुगल बादशाह इसी क्रांति के बाद साबित हो जाते हैं। इसके अलावा जब यह विद्रोह शुरू होता है तो विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया जाता है मुख्य रूप से इस विद्रोह को लेकर के, जिसका नाम है कैंपबेल, और ये कई बार चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली और विभिन्न क्षेत्रों में जा करके जो है आंदोलन का दबाने का काम किया। इसके अलावा जब यह विद्रोह संचालित हो रहा था तो विद्रोहियों ने इसके बढ़ावे के लिए, इस आंदोलन को तेज़ बनाने के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया एज ए प्रचार के रूप में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है जिनसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये समझने वाले पॉइंट्स है, इस ओर भी हम लोग आएंगे। सबसे पहले इसे एक बार रिकॉल कर लें, प्राइम मिनिस्टर पामस्टन, गवर्नर जनरल कैनिंग, बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल बादशाह, कैंपबेल को नियुक्त किया गया विद्रोह को दबाने के लिए, और कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया गया एज ए विद्रोह के प्रतीक के रूप में। अब आते हैं 1857 के स्वरूप की ओर। स्वरूप से तात्पर्य है यह विरोध जो 1857 की क्रांति थी, क्या इसे क्रांति कहा जाए, क्या इसे विद्रोह कहा जाए, क्या इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, या फिर इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा जाए, इन सभी बिंदुओं पर आधारित है इस क्रांति का स्वरूप। वास्तव में इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है, जहां एक तरफ ब्रिटिश इतिहासकार इसे केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, या हिंदू मुस्लिमों का एक कॉमन षड्यंत्र बताते हैं, या एक छिटपुट विद्रोह के रूप में ही देखते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार इसे एक महान क्रांति के रूप में देखते हैं, एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
संग्राम के रूप में देखते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि इसके स्वरूप को व्यापक आयाम मिला है और इसे व्यवस्थित रूप देने के लिए भारतीय इतिहासकार की जो भूमिका रही वो अलग रही और पश्चिमी इतिहासकार खास करके ब्रिटिश इतिहासकारों की भूमिका जो है अलग रही। तो ऐसे में किसी एक निश्चित स्वरूप को इसमें कह पाना कठिन है। लेकिन यहाँ से जो याद करने वाला पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव हिसाब से होता है वो यह रहता है कि किस इतिहासकार ने क्या कहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि किसने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो वीडी सावरकर। तो उसी तरह से एक चार्ट मैं यहाँ पर प्रिपेयर करूँगा जिस चार्ट में किसने क्या कहा है वो आपको एक आसानी से याद हो जाएगा। तो उस चार्ट को हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग इस पॉइंट सबको एक बार देख लेते हैं। तो स्वरूप क्या रहा, तो क्या इसे क्रांति की संज्ञा दी जाए, विद्रोह की संज्ञा दी जाए, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाए या केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी जाए, इसके क्रम में जो इतिहासकारों के मतभेद हैं यही कारण है कि इसके स्वरूप को वास्तविक रूप नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर जो है हमारा कारण से जुड़ा हुआ। इस 1857 के क्रांति के पीछे कई कारण थे। अब इन कारणों को यदि हम विभाजित करके देखना शुरू करें तो इसे हम राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण एवं तात्कालिक कारण के रूप में देख सकते हैं। तो कई रूपों में इसे हम देख सकते हैं। पॉइंट्स में मैं बताऊंगा, उन्हें आप ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। राजनीतिक कारण में मुख्य रूप से जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी इन परिस्थितियों में वही कारण बना। जैसे स्पेशली डलहौजी का शासनकाल। डलहौजी जब भारत में आता है तो उसने एक नीति चलाई थी जिसे हड़प नीति, व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत उसने कई भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के तौर पे उसने सतारा को, संभलपुर को, झांसी को, नागपुर को, अवध को जो है उसने राजनीतिक रूप से अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। परिणाम ये निकला कि उस क्षेत्र के जो जमींदार राजा थे वह निश्चित रूप से ब्रिटिश नीतियों से दुखी थे और उनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे। दूसरी ओर जो नीति उनकी चल रही थी उसमें जैसे विशेष रूप से राजनीतिक में अवध जिसे यूपी के नाम से भी जाना जाता है, अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह थे, जो अंतिम नवाब थे, उन पर कुशासन का आरोप लगा करके उसे ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया गया। इसके अलावा कई ऐसे राजनीतिक चेंजेस किए गए जो पहले से चले आ रहे थे, जिसमें वेलेजली की सहायक संधि की नीति थी, रिंग ऑफ फेंस की नीति थी। ये ऐसी नीतियां थी जिसके कारण भारतीय राजनीतिक स्थिति में जो रजवाड़े थे वो ब्रिटिश साम्राज्य से दुखी थे। खास करके हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर देना जैसी व्यवस्था से भी भारतीय शासक कुपित थे। तो ये सभी प्रमुख कारण थे राजनीतिक रूप से जिसके कारण भारत के रजवाड़े अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे। अब आते हैं, हम देखते हैं इधर आर्थिक कारण में। आर्थिक कारण में आपको करों में वृद्धि। अब टैक्स में वृद्धि से जहां एक तरफ किसान परेशान थे, वहीं जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, उस पर प्रभाव पड़ा। उद्योगों का पतन हो गया, करों में वृद्धि कर दी गई, कृषि और उद्योग का जो एक सह संबंध था वह समाप्त होने लगा। ग्रामीण जनता पर अकाल की स्थिति में भी करों का बोझ डाला गया। ये ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण ब्रिटिश काल में भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती चली गई, कठिन होती चली गई। ऐसे में वह ब्रिटिश नीति को मंजूर नहीं कर रहे थे और जब विद्रोह का बिगुल बजता है तो बहुत सारे लोग जो भारतीय किसान थे या मजदूर थे इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। अब आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में देखें दोस्तों, तो कुछ ब्रिटिश नीतियों के तहत उन्होंने क्या किया, सामाजिक नीतियों को बदलने का प्रयास किया। विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि बेंटिक के समय जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। जब कैनिंग आते हैं तो वह जो है विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देते हैं।
बाल विवाह को रोका जाता है। तो इस तरह के कई ऐसे सामाजिक बदलाव हो रहे थे भारत में, जो खास करके रूढ़िवादी जो भारतीय थे वो पसंद नहीं कर रहे थे, और इस सामाजिक बदलाव से वे दुखी थे, और ब्रिटिश को यह मान रहे थे कि वह हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप करके हमारे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। दूसरी ओर धार्मिक आधार पर देखें तो ब्रिटिशर्स ने 1813 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाज़त दे दी। अब परिणाम ये निकला कि ईसाई भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, और कई बार यहाँ तक बोल बैठे कि उनका मूल उद्देश्य जो है भारत को ईसाई देश बनाना है। ऐसे में धार्मिक कारण भी एक प्रमुख कारण रहा, और सामाजिक कारण में सामाजिक बदलाव जो ब्रिटिशर्स द्वारा किए जा रहे थे वह भी एक प्रमुख कारण रहा भारतीय जनमानस को ब्रिटिश के खिलाफ होने में। तो भारतीय जो लोग थे, समुदाय थे, वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए, उसमें सामाजिक और धार्मिक कारण भी एक प्रमुख कारण रहा। बात यदि सैनिक कारण की करें तो ब्रिटिशर्स द्वारा जो सैनिक अनुपात रखा गया था उसमें 5 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक स्थापित किया गया था। ऐसे में भारतीयों की संख्या सैनिकों में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था। किसी भी प्रकार के वेतन में भेदभाव, प्रमोशन में भेदभाव, रहन सहन के तरीके में भेदभाव, ये भेदभाव कहीं ना कहीं भारतीयों को कई मुद्दों पर संकुचित करते रहते थे। इसके अलावा उनके साथ कई बार ऐसे नियमों को थोपने का प्रयास किया गया जिन नियमों से वो परंपरागत रूप से दूर रहे थे। उदाहरण के लिए भारतीयों को समुद्र पार लड़ाई लड़ने के लिए भेजना, और भारतीय सैनिक शुरू से यह परंपरा में विश्वास करते थे कि समुद्र पार जाना अछूत होने के समान है। ऐसे में वे समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे और उन्हें जबरन सैनिक के माध्यम से भेजा जाता था। इसके अलावा कई ऐसे संप्रदाय थे भारत में जो दाढ़ी मूछ रखना शान समझते थे, और ब्रिटिश सैनिक के दौरान उन्हें दाढ़ी मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दी गई। तो ये ऐसे कुछ रूल्स हुए जो सैनिकों को ब्रिटिश के खिलाफ करते चले गए। इसके अलावा 1854 में एक डाकघर अधिनियम लाया गया, और जिसके तहत सैनिकों को फ्री में जो वो चिट्ठी लिख करके घर भेजा करते थे, इस पर प्रतिबंध लगा दी गई। अब एक तो सैनिक घर से दूर रहते थे, फ्री में जो उनके पत्र उनके घर तक जाते थे, इस डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की यह फ्री पत्राचार पर प्रतिबंध लगाया गया। ये घटनाएं कहीं ना कहीं सैनिकों को विरोधी बना रहे थे। और सबसे एक प्रमुख कारण और था कि अवध क्षेत्र को जब 1856 में ब्रिटिशर्स द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में मिला लिया गया, तो इस क्षेत्र से ही सबसे अधिक सैनिक भारतीय सेना में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक इस क्षेत्र के ब्रिटिशर्स द्वारा अपने हस्तक्षेप के कारण दुखी महसूस कर रहे थे, और ये महसूस कर रहे थे कि हमारे परिवारजन यदि दुखी हैं वहाँ अवध में, तो हम कैसे ब्रिटिशर्स की सेवा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मूल कारण रहे जिसके कारण सैनिकों का रोष ब्रिटिशर्स के खिलाफ बना रहा। और फाइनली यह तत्कालिक कारण जब सामने उभर करके आता है, उसी तत्कालिक कारण का परिणाम यह निकलता है कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध इस 1857 की क्रांति को जन्म दे देते हैं। तत्कालिक कारण के संबंध में आपको यह रखना है कि एक ब्राउन बेस बंदूक थी जो 1856 के दिसंबर में सेना से हटाई गई, और उसके बदले में एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में भारतीय सेना में शामिल किया गया, और जनवरी 1857 में यह खबर पूरे सेना में फैलनी शुरू हो गई कि इस राइफल में जो गोली लगती है और उस गोली में जो चर्बी लगी हुई है वह गाय या सुअर के चमड़ों से बनी है। परिणामतः उन्होंने गाय एवं सुअर की चमड़ी को यूज करने से मना करना शुरू किया, और धीरे धीरे यह विद्रोह फूटना शुरू हुआ, और एक सैनिक विद्रोह के रूप में लगभग भारत के अधिकांश उत्तर भारत में यह फैल गया। तो यहाँ पर हम आएंगे विद्रोह को कैसे प्रारंभ रूप मिलता है उसको भी देखेंगे, विस्तार रूप कैसे मिलता है उसको भी देखेंगे। यहाँ हमने जो देखा उसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि विभिन्न कारण रहे 1857 के क्रांति के होने के, जिसमें राजनीतिक कारण थे जहाँ पर डलहौजी की हड़प नीति, अवध को कुशासन के आरोप में मिला लेना, विभिन्न क्षेत्रों में जो गोद लेने की प्रथा थी उसे समाप्त कर देना, तथा ब्रिटिशर्स की जो पुरानी नीतियाँ थी
वह काफी हद तक जिम्मेदार थी। आर्थिक में करों की वृद्धि करना, उद्योगों का पतन होना, कृषि पर बोझ बढ़ जाना, अकाल की स्थिति में भी करों में रियायत न देना, जिससे ग्रामीण जनता त्रस्त थी, तो ये भी एक कारण बना। सामाजिक धार्मिक रूप से जो बदलाव और ईसाई धर्म को थोपने का प्रयास जो भारतीय क्षेत्रों में किया जा रहा था, यह भी एक कारण बना इस आंदोलन का। सैनिक कारणों में सैनिकों के साथ भेदभाव, उनके पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना तथा अवध क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेना, ये कारण बना। और तत्कालिक कारण में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, वह चर्बीदार कारतूस जो एनफील्ड राइफल जो नया शामिल किया गया था ब्रिटिश सेना में भारत में, उसमें गोली के जो चमड़े होते थे वो गाय या सुअर के बने होते थे। इसी कारण से इस बात को लेकर के सैनिकों ने अपने धार्मिक मान्यताओं को ध्यान रखा और इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये वो प्रमुख कारण थे जिसके कारण आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब हम लोग आएंगे प्रारंभ के स्थिति को देखेंगे। अब आते हैं विद्रोह के प्रारंभ के संबंध में। विद्रोह के प्रारंभ के संबंध में दोस्तों ध्यान देने की कुछ बातें। जनवरी 1857 में यह बात सबसे पहले दमदम जो वेस्ट बंगाल में था, वहां पर यह सबसे पहली बार फैली कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें गाय या सुअर के चमड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे बात, यह फरवरी में 1857 में दमदम से निकल करके जो है बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर की ओर आया। और बैरकपुर आने से पहले एक आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये बहरामपुर में फरवरी में फैला, और 29 मार्च ये याद रखेंगे, 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में। तो यहाँ ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, ये याद रखेंगे कि सबसे पहले जनवरी 1857 में दमदम वेस्ट बंगाल, ये तीनों वेस्ट बंगाल में था, जो भी पश्चिम बंगाल है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये बंगाल में के क्षेत्र में दमदम में, फिर उसके बाद पहुंचता है बहरामपुर में, और फिर मार्च में पहुंचता है यह खबर बैरकपुर में, जहां 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीदास कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और इसके बदले में गोली चला करके दो अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन थे। तो यहां दो याद रखना है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूडसन को जो है घायल करते हुए विद्रोह का बिगुल बजा दिया। परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी। इस सजा के बाद लगभग जितनी भी सैनिक छावनी जो पूर्वी भारत से लेकर के उत्तर भारत और मध्य भारत में फैले थे, सभी सेना में ये खबरें जोर से फैलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ सेना में माहौल तैयार होने लगा। और इसी माहौल तैयार होने का प्रारंभ शुरू होता है, तो वो शुरू होता है 10 मई से मेरठ से। तो उस पूरा पॉइंट तक पहुँचने से पहले ये प्रारंभ की कुछ स्थितियाँ हैं जिसे आप याद रख लेंगे। सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ जनवरी 1857 में यह चर्चा चलती है दमदम में, फिर यह खबर पहुंचती है बहरामपुर में, और फिर मार्च में बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन की हत्या करते हुए इस विद्रोह को शुरू किया, लेकिन उन्हें फांसी दे दिया गया। यही कारण है कि इसको एक प्रारंभिक रूप माना जाता है, इसे वास्तविक शुरुआत नहीं माना जाता है। तो प्रारंभिक रूप कहाँ से हुआ, तो ये इसकी कहानी रही। वास्तविक शुरुआत एवं विस्तार की बात करें तो वो आते हैं हम लोग मुख्य रूप से यहाँ देखेंगे। वास्तविक रूप से यदि विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका प्रारंभ होता है 10 मई 1857 मेरठ से।
मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई 1857 को अपने रेजिमेंट में धावा बोलते हुए शस्त्रागार को लूट लिया और जो भारतीय सिपाही वहां कैद किए गए थे उन्हें छुड़ाते हुए उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच करके उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि बहादुर शाह द्वितीय उस समय एक बुजुर्ग नेता के तौर पे थे, इसलिए वास्तविक नेतृत्व जो है वहां पर वो बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खान ने किया। तो यहां से दो तीन प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कि 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहां से हुई थी? मेरठ यूपी से। फिर 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना सर्वकालिक नेता चुनते हैं। वास्तव में मुगल बादशाह उस समय देश के एक सबसे मान्य बादशाह थे, यही कारण है कि उन्हें चुना गया, लेकिन एक बुजुर्ग बादशाह के कारण उन्होंने सैन्य का वास्तविक नेतृत्व जो है उनके सेनापति बख्त खान ने करना शुरू किया। हालांकि अंग्रेजों ने ज़्यादा समय नहीं लगाया और 1857 के अंत से पहले ही दिल्ली पर पुनः अधिकार करके सैनिकों के इस अभियान को असफल कर दिया। लेकिन यह बिगुल इतना आसान नहीं था, लगभग भारत के प्रमुख भागों में यह विद्रोह फैल चुका था। तो चलिए एक नज़र उसे देखते हैं मैप पे कि यह विद्रोह कहां कहां फैला। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 10 मई मुख्य रूप से याद रखना है, उन्होंने मुगल बादशाह को अपना नेता चुना और वास्तविक नेता दिल्ली की ओर से कौन बना? बख्त खां बना, जो बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था। ये प्रमुख पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। अब आ जाइए कुछ पॉइंट्स की ओर ध्यान देते हैं। ये भारत की स्थिति है उस समय, तो हम इस पर देखेंगे कि विद्रोह की शुरुआत और कैसे विद्रोह का फैलाव होता है, इसी विस्तार को हम लोग यहाँ से देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा यह, चूंकि जो उस समय बांग्लादेश था वो भारत का ही अंग था और जो यह पाकिस्तान क्षेत्र है यह भी उस समय भारत का ही अंग था, तो इसी बांग्लादेश के क्षेत्र में दमदम, बहरामपुर और फिर बैरकपुर होते हुए यह बात जो है बंगाल में फैलनी शुरू हुई और यहाँ से फैल करके पहुँचता है मेरठ, मेरठ यूपी में, और मेरठ यूपी में यह विद्रोह शुरू होता है और फिर पहुँचता है दिल्ली में। तो आपको यहाँ याद रखना है कि बंगाल में मुख्य रूप से यह पहले प्रचारित हुआ, जहाँ मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, फिर यह पहुँचता है यूपी के मेरठ में और मेरठ से फिर पहुंचता है दिल्ली में। हालांकि दिल्ली में अधिक समय तक यह आंदोलन नहीं रह सका, अंग्रेजों ने इस पर जल्द ही काबू पा लिया, लेकिन इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में जैसे लखनऊ के क्षेत्रों में बेगम हजरत महल, बिहार के क्षेत्र में बाबू कुंवर सिंह, फिर कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, ग्वालियर एमपी में और राजस्थान में, राजस्थान के स्पेशली कोटा क्षेत्र में, इस तरह से करके यह विद्रोह का जो हिस्सा था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वह हिस्सा था जहां पर यह विद्रोह संचालित हुआ। अर्थात इस विद्रोह से दक्षिण भारत अधूरा रहा
और यह एक असफलता का मूल कारण भी बनता है कि इस विद्रोह का जो फैलाव था वह संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था, स्पेशली उत्तर और उत्तर पूर्व के जो ये भारत क्षेत्र थे इसी क्षेत्र में जो है यह विद्रोह का फैलाव रहा, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के क्षेत्रों में विशेष रूप से फैला और इन क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो एक चार्ट द्वारा अभी हम लोग देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन का नेतृत्व किस क्षेत्र में किस शासक ने किया। तो चलिए उस चार्ट को देखते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से विस्तार को कि कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ हमने क्षेत्र का नाम दिया है, यहाँ हमने उन शासक या विद्रोही का नाम दिया है जिन्होंने उस क्षेत्र में विद्रोह किया, और ये वो थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया, और उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनसे यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार को लेकर के। तो सबसे पहले हमने देखा जब विद्रोही मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पर बहादुर शाह द्वितीय को अपना शासक नियुक्त करते हैं जो उस समय मुगल बादशाह थे। वहां पर निकोलस आकर के इस विद्रोह का दबाने का प्रयास करते हैं और निकोलस की मृत्यु हो जाती है और फाइनली हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया, हडसन ने इसे दबाया। और यहाँ से दो तीन पॉइंट याद रख सकते हैं कि जब विद्रोह समाप्त होता है हडसन के द्वारा तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां जाकर के 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और बख्त खां जो उनका सेनापति था वही वास्तविक नेतृत्व वहां किया था दिल्ली में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट। फिर आते हैं लखनऊ, लखनऊ जो यूपी के क्षेत्र में, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जो अवध के मिला लिए जाने के बाद उन्होंने नेतृत्व किया था, और कैंपवेल के द्वारा इस विद्रोह को दमन किया जाता है। खास करके कहा जाता है कि बेगम हजरत महल खुद हाथी पर बैठ करके विद्रोहियों का जो है हौसला बढ़ाने के लिए जाया करती थी, लेकिन कैंपवेल ने इस विद्रोह को भी दबा दिया और बाद में कहा जाता है कि वे आत्मसमर्पण नहीं करती और नेपाल चली जाती हैं। तो इस प्रश्न से दो पॉइंट, लखनऊ में किसने नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने, और कैंपवेल ने इस विद्रोह को दबाया तथा वे लखनऊ चली गई। अब आते हैं कानपुर, कानपुर में नाना साहब ने किया था। ये नाना साहब वास्तव में कौन थे, तो बाजूराव द्वितीय जो अंतिम मराठा पेशवा थे उनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र होने के कारण ही जब डलहौजी के द्वारा जो रूल लाया जाता है हरप नीति, उसमें दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि नाना साहब को उनके अधिकार से वंचित किया जाता है, और उनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंत था, और कैंपवेल ने यहाँ भी उन्हें पराजित किया था, और ये बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तो यहाँ दो चीज़ें याद रखना है, कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने, उनका वास्तविक नाम धोंदू पंत, और वो किस संबंध से जाने जाते थे, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अब आते हैं तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा, दो पॉइंट यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। तात्या टोपे ने वास्तव में नाना साहब का सहयोग कानपुर में किया। नाना साहब के दमन की स्थिति में ये चले जाते हैं ग्वालियर, ग्वालियर में जाकर के जो इनका वास्तविक नाम एक याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग, दोनों के ही वास्तविक नाम पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी दिख जाएंगे आपको। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदूपन था और तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने ग्वालियर में शरण लिया, लेकिन ग्वालियर में भी ब्रिटिश सेना में आकर के उनका दमन किया था, और उनके एक मित्र थे मान सिंह, इसी मान सिंह ने ग्वालियर में उन्हें धोखा दिया था और अंग्रेजों को इनके छुपे होने की सूचना दी थी। बाद में उनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को फांसी हो गई थी। तो तात्या टोपे से दो पॉइंट याद रखना है कि वे ग्वालियर में पकड़े गए, उन्होंने प्रारंभ में नाना साहब का सहयोग किया, और बाद में मान सिंह नामक एक मित्र के धोखे के कारण वे पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। फिर आते हैं झांसी, झांसी का नेतृत्व आप लोग भली भांति जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और इनका पतन सर हीरोज ने किया था। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, और इन्होंने कहा भी था कि
भारत में हर सोई हुई महिला जो है पुरुष से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने पुरुषों के समान जो है अंग्रेजों को टक्कर दी थी। वो वास्तव में गंगा राव की विधवा थी और उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए जो है यह संघर्ष लड़ा था, दामोदर राव को अधिकार दिलाने के लिए। और कई फिल्में और कई सीरियल इन पर बन चुकी है, अभी हाल ही में फिल्म भी आने वाली है, तो याद रख सकते हैं। झांसी कहाँ लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, पतन किसने, सरहीरोज ने किया। ये गंगा राव की विधवा थी और अपने पुत्र दामोदर राव को सत्ता दिलाना चाहती थी। अब आते हैं बिहार के क्षेत्र में, तो बिहार में मुख्य रूप से दो याद रखना है, एक जगदीशपुर और एक पटना। जगदीशपुर के जो जमींदार थे वो बाबू कुंवर सिंह थे। तो कई बार सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था और दमन इनका विलियम टेलर ने किया था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये जगदीशपुर में तो अपनी सत्ता को स्थापित करते ही करते हैं, बल्कि यूपी में आजमगढ़ के क्षेत्रों में आकर के भी अंग्रेजों को धूल चटाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस विद्रोह के दौरान यदि किसी ने अंग्रेजों को धूल चटाई तो वह बाबू कुंवर सिंह थी। सर्वाधिक विजय दर्ज बाबू कुंवर सिंह ने ही किया था 1857 के क्रांति के क्रम में। लेकिन यदि बिहार में पटना में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। इन्होंने विद्रोह की शुरुआत जो है पटना में की थी, हालांकि इनका दमन हो गया था, बहुत जल्द ही इनको पकड़ लिया गया था। तो दो पॉइंट यहां से याद रख सकते हैं, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और बिहार के पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब कुछ अन्य जहां से एक छोटे छोटे पॉइंट से प्रश्न आते हैं, केवल मिलान करने संबंधी प्रश्न में कि कहां का नेतृत्व किसने किया था। जैसे इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। लियाकत अली का दमन नील ने किया था और खान बहादुर खान का दमन कैम्बेल ने किया था। तो ये इलाहाबाद और बरेली। और फाइनली एक दो छोटे छोटे और जगह थे जहां पर विद्रोह जारी थे, जैसे गोरखपुर गजाधर सिंह के नेतृत्व में, मथुरा देवी सिंह के नेतृत्व में और राजस्थान का कोटा क्षेत्र जयदयाल और हरदयाल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में। तो लगभग भारत के उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्रों में यह विद्रोह चला। अब जो हमारा ये विद्रोह का विस्तार हमने देखा, आज हमने क्या क्या देखा, तो कुछ प्रमुख बिंदु देखे। हमने विद्रोह के कारण को देखा, हमने विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ उसको देखा, हमने देखा विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ और भारत के लगभग कितने बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार रहा। अभी भी हमारे पास इसके स्वरूप के संबंध में, इसके असफलता के कारण के संबंध में और परिणाम के संबंध में जानकारी लेनी है, जो कि अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो जल्द ही अगला वीडियो भी आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके 50% जो पार्ट स्वरूप, असफलता के कारण और परिणाम से जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आया है तो वो भी पसंद आएगा। तो चलिए वेट कीजिए, जल्द ही लेकर के आ रहे हैं इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट। धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों एक और बात, आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहता कभी भी, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।